हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट सीन इन माय किचन। तो मैं बनाने लगी हूँ हमारे लिए चाय, बच्चों के लिए दूध और थोड़ा सा टोस्ट बनाऊंगी। और दूध लेकर आया शर्मा जी, ये भी गर्म करने रखूंगी। एक्चुअली पता है, टोस्ट ज़्यादा करके सुबह में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे दो तीन वजह हैं। वन, सब लोग खा लेते हैं। कभी कभी मैं ऐसा कुछ और बना देती हूँ ना, पोहा या उपमा वगैरह, तो बच्चे लोग बिल्कुल भी मन से नहीं खाते। उनका सुबह इस तरह का कुछ भी सेवरी या मन ही नहीं होता उन लोगों का कुछ भी खाने का। टोस्ट वो खा लेते हैं आराम से दूध के साथ, और थोड़ा सा मुझे भी फिर इजी पड़ता है, शर्मा जी को भी पसंद आता है। और ये चीज़ें हमेशा घर में ही होती हैं तो उतना ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे दो पैन चढ़ा दिए हैं। मैं फटाफट से एक तरफ दूध चढ़ाती हूँ, एक तरफ चाय चढ़ाऊँगी, एंड ऐसे दूध भी मुझे पकाना है। और हाँ, बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। उन लोगों का ऑफलाइन स्कूल हम लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है, तो उनकी अभी तक भी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। बट आई बिलीव नेक्स्ट सेशन से इट वुड बी मैंडेटरी हर किसी के लिए। फिर ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन स्कूलिंग का स्कोप नहीं रहेगा। फिर सबको पहले की तरह वापस स्कूल जाना पड़ेगा। एंड सच पूछो, आदत छूट चुकी है। वो सुबह कैसे 6 बजे उठ के मैं उनका डब्बा वब्बा सब बना देती थी। मेरे चैनल पे वीडियो भी है जो मेरी सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, कि मेरा सुबह का रूटीन क्या होता है जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। पर अब मैं आई एम नो वेयर क्लोज टू दैट नीलम। इतनी सुबह उठना और फिर खाना वाना बनाना, आदत ही छूट गई है। 2020 पूरा 1.5-2 साल हो चुके हैं कि मैंने सुबह उठ के ऐसे फटाफट से टिफ़िन बनाया हो और इनको लेकर मैं बस स्टॉप भागी हूँ। कि बस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होता है यहाँ पे, ऐसे भागती हुई आती है बस, एकदम से ब्रेक लगता है 2 मिनट, भैया हॉट लेते हैं और उसके बाद फिर बच्चे चढ़ जाते हैं, उसके बाद उनको अगला भी स्टॉप होता है। तो इनका ना स्कूल से आइटिनरी आती है बस स्टॉप की, और वहाँ पे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में मैक्सिमम 5 मिनट का ही गैप रहता है। तो वो भागा दौड़ी बस का टाइम मैच करना सबसे बड़ा काम होता है मेरे लिए। इसको पीछे रख देती हूँ, यहाँ पे मैं टोस्ट बनाने की तैयारी करूँगी। जो आपका दूध का पतीला रहता है ना, जिसमें आप दूध बॉईल करने वाले हो, उसे एक बार इस तरह पानी से रिंस कर दीजिए। यानी कि इसके ऊपर एक पानी की कोटिंग आ जाएगी ना, तो फिर आपका दूध कभी भी इस पर नहीं चिपकेगा। ऑल्सो दूध ऐसे करने के बाद है ना, इसमें दूध डाल के फिर इसको छेड़िएगा नहीं, मतलब चमचा वमचा इसमें नहीं लगाना है। आप नोटिस करोगे नीचे इतना सा भी दूध आपका नहीं जलेगा। ये टिप उन लोगों के लिए जिनका इफ़ इन केस पतीले में दूध चिपक जाता है, ट्राई कीजिएगा, आपके लिए ये टिप है ना कारगर साबित होगी। और पता है, आपके नॉनस्टिक्स को क्लीन करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें आप, तवा ये यूज्ड है, हाँ मैंने इसको साबुन से नहीं साफ़ किया है। तो इसको मैंने ये बर्नर ऑन कर दिया है, इसके ऊपर इसको रख दीजिए, अच्छी तरह गर्म कर दीजिए इसके ऊपर जो भी ऑयल वगैरह है ना। और उसके बाद इस तरह का एक टिश्यू पेपर लीजिए और इसको वाइप कर दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि पीछे का भी, मतलब पिछली बार का भी जो काला काला जम जाता है ना तेल, वो भी निकल आएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ, बिफ़ोर आफ्टर के हिसाब से आप फिर समझ पाएंगे। आप यहाँ देखें, इसमें ऑयल भी है और आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ कुछ काले काले स्पॉट्स भी हैं। मैंने इसको अब गर्म कर लिया है, इसके बाद इसे क्लीन करेंगे, देन आई विल शो कि ये कितना साफ़ हो चुका है। मैंने इसको क्लीन किया है तो ऑब्वियसली इसका जो तेल लगा हुआ था वो तो हट चुका है। आप देखें यहाँ यहाँ किनारे पे जो काला काला जम जाता है ना, और बाद में अगर उसको आप घिसें तो फिर इसकी फिल्म निकल आएगी, या तो फिर अगर उसको आप हल्के हाथ से छोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो किनारे हैं ना, यहाँ पर वो जमता ही चला जाता है ना। लुक एट दिस, मैं अपना तवा इसी तरह मेंटेन करती हूँ। मैं इसको हर बार साबुन से नहीं धोती अगर इट इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड ना। इस पर हमेशा सिर्फ पराठा रोटी ही तो बनता है। एकदम ही बढ़िया ये साफ़ हो चुका है, आप देखें।
और ये वाला जो है इसको तो ऑब्वियसली डिस्कार्ड करेंगे, बट एक बार और थोड़ा टिश्यू पेपर लेकर इसे एकदम ही वाइप कर लीजिए तो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा यूज़ करने के लिए। सानवी कृषि का दूध भी बॉयल हो गया। गर्म हो चुका है सानवी खुशी के लिए, उन लोग की क्लास चल रही है, वो अपने रूम में है, तो उनके लिए जो टोस्ट है और जो दूध है मैं वहीं पे दे दूँगी। अच्छा, मुझे है ना आपसे एक यू नो सजेशन चाहिए था। आप में से जो लोग भी जो टोस्टर नहीं होता है पॉपअप टोस्टर, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो मेरे को बताइएगा कि इज़ इट अ गुड बाय, ख़रीदना चाहिए क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पॉपअप टोस्टर की ज़रूरत है। अगर आपके पास है, आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ मेरे से ऑनेस्टली शेयर कीजिएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स, मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं। मैंने चाय में अदरक डाल दिया है क्योंकि हम लोगों को पसंद है अदरक वाली चाय। ऑल्सो मैंने चाय का मसाला आपके साथ शेयर किया था ना, मसाला भी बहुत अमेजिंग है, एक दो चुटकी डाल दीजिए बस, इतना ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है ना। ये देखें, ये वही मसाला है, मैं दो कप चाय बना रही हूँ ना, तो दो चुटकी के हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है इस मसाला में, क्योंकि मैंने ड्राई जिंजर पाउडर डालते हैं ना वो नहीं डाला था, इसलिए मैं फ्रेश अदरक डालती हूँ। और मैंने डाला भी इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे फ्रेश अदरक ही डालनी होती है चाय में, उससे टेस्ट अच्छा आता है और अदरक की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। टेल यू, आप है ना, आपकी डाइट में ना ये जो पाँच चीज़ें होती हैं ना, जो इंडियन क्विजीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पाँच चीज़ें होती हैं, ये हो गया आपका जिंजर, गार्लिक, अनियन, धनिया और हरी मिर्चें। आपने देखा होगा लगभग हर सब्ज़ी में इसको डाला जाता है क्योंकि इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो है ही, टेस्ट इन्हेंसर्स भी बहुत अच्छे हैं ये, और इनकी ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हाई हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को कंज्यूम करें, फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो और भी अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है कि सूखी अदरक से बेहतर है फ्रेश अदरक, और जिंजर गार्लिक पेस्ट से बेहतर है जो आप यू नो फ्रेशली पाउंड करके बनाते हो। और लगभग हर रोज़ वॉशिंग मशीन में हमारे जो कपड़े होते हैं उसका लोड लगता है, क्योंकि अभी घर के जो एक कपड़े होते हैं वो हम लोग नहा के जो चेंज कर लेते हैं वो भी एक रहता है, दूसरा हम सभी लोग वॉक ये वो भी करने लगे हैं वो भी रहता है, तो इसके चक्कर में ये जो पर्दे मैंने चेंज करे थे ना, इनका नंबर अभी तक लगा ही नहीं। आज फ्री था तो मैंने सोचा आज मैं ये पर्दे धो देती हूँ, कल भी रात को मैंने पर्दे धोए थे, अभी पता नहीं क्यों 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो रात भर में जो कर्टन्स थे सानवी खुशी के रूम के पिंक वाले वो सूख गए, तो फिर मैंने सुबह सुबह ये वाला लोड लगा दिया था और ये धुल गए हैं, तो ये भी मैं डाल दूँगी, ये भी फटाफट से सूख जाएंगे। भगवान जाने इतनी गर्मी क्यों हो रही है नवंबर में भी, 25 नवंबर है शायद या 26 नवंबर है आज, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो देखो, आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ डेज एंड डेट्स, बच्चों को स्कूल ना भेजें तो यही होता है मॉम्स के साथ। और मैं ये बता रही थी इतना लेट नवंबर हो गया है फिर भी सर्दी का नामो निशान नहीं है, सुबह शाम की बात नहीं कर रही मैं, तब तो लगती है सर्दी, बट बाकी सारा दिन इतनी चटक धूप और गर्मी फील होती है। और मैं अभी अभी आई हूँ वॉक से, मैं और खुश शानू गए थे वॉक पे, और एक्चुअली खुशी को ले जाने का प्लान है बट उसके पैर में मैंने आपको बताया था क्या इशू है ना, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं डेकेथलॉन सो दैट उसका जूता लेकर आ सके, तो अभी मैंने सोचा चेंज वेंज नहीं करती हूँ, उसके शूज़ लेकर आते हैं और उसके बाद फिर चेंज करेंगे। शाम को हमें जाना है मम्मी पापा से मिलना है, शाम को मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को जाना है इस्कॉन टेम्पल भी।
और ये है हमारे एरिया का डी कैथलॉन। और आपको पता है जब कोविड नहीं था ना, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे, कम से कम 15 दिन में एक बार तो आ ही जाते थे। रीज़न यही कि एक तो यहाँ के जो गुड्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं और रीज़नेबल हैं, आपको उतने एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे जितने बाहर किसी भी शोरूम से अगर आप खरीदें तो आपको फ़ील होगा। प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबल भी होते हैं ये प्राइस के हिसाब से। एंड यहाँ पर है ना आके बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पर सब तरफ सानवी खुशी की एज के बच्चे घूमते रहते हैं, थोड़े छोटे बच्चे भी होते हैं, बट सब के सब है ना या तो वो जो बोर्ड स्केटिंग होती है ना या रोलर स्केट्स, कुछ ना कुछ साइकिलिंग ये वो में लगे रहते हैं बच्चे। दे एंजॉय अ लॉट। सानवी खुशी का भी सेम ही है, वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ एक सामान मैंने खरीदे हैं वो मैं घर पहुँच कर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है, बट यहाँ पर मुझे घूम घूम कर सामान खरीदना पसंद आया। मुझे एकदम अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं, उस वक्त भी कभी कभी पापा के साथ जाकर इसी तरह सामान में लेती थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल की यू नो स्पोर्ट टीम का पार्ट थी, स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करती थी। आई यूज़ टू बी वेरी फिट एंड क्विक। अभी फिर धीरे धीरे ज़िंदगी में फेजेस चेंज होते जाते हैं तो प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं और उसके हिसाब से हम भी चेंज होते जाते हैं, बट स्टिल समवेयर इनसाइड मी आई फील कि वो स्पोर्ट्स पर्सन अलाइव है। और वो मुझे फील आता है जब भी मैं डिकेथलॉन आती हूँ ना, यहाँ पे जो अटेंडेंस रहते हैं ना वो भी बच्चे लोग आई फील स्कूल कॉलेज गोवर्स ही होते हैं, वो भी स्पोर्ट एंथुसियास्ट ही होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है डिकैथलॉन के अंदर का। और अभी कोविड के कारण सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हम लोग एज पेरेंट्स भी ध्यान रखते हैं, फैमिलीज़ अपना ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनफैक्ट जो स्टोर्स होते हैं वो लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं। अभी ये स्टोर आप देखोगे कितना खाली लग रहा है, लेकिन पहले इतना खाली कभी नहीं होता था, नेवर। इतना ज़्यादा भीड़ होता था, पीपल यूज़ टू इन्जॉय, जैसे शाम को कहीं जा रहे हो ना शॉपिंग के हिसाब से नहीं, टाइम पास करने के हिसाब से, इतना अच्छा यहाँ पर मज़ा आता था। बट अभी वो भी अच्छा है कि इतनी भीड़ नहीं है। और इसके बाद दिस इज़ न्यू समथिंग, घर पहुँच के आपको बताती हूँ, इन लोगों का स्कैन एंड पे ये नया शुरू हुआ है। शर्मा जी को पता था, मुझे तो पता नहीं था, उनके पास ऑलरेडी ऐप था। मैं तो थोड़ी सी चौंक ही गई जब मैंने देखा कि बिलिंग काउंटर तो है नहीं, अब हम ये पेमेंट कैसे कराएंगे। तो शर्मा जी ने कहा कि अभी तो वो ऐप के थ्रू लेते हैं ना, एंड आई वाज लाइक कि आपको पता है कैसे करना है, एंड ही वाज लाइक कि हाँ मेरे पास ऐप है, डोंट वरी, अभी इसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। यहाँ से सामान वामान लेकर सबसे पहले पहुँचे हम लोग हमारे घर, मैंने चेंज किया और इसके बाद सीधे पहुँचे मम्मी पापा के पास। उनके साथ था हमारा प्रोग्राम यहाँ इस्कॉन टेम्पल आने का, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें, आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैंने है ना इस्कॉन में पहली बार इस तरह की आतिशबाजी देखी है, ज़रूर कोई तो इम्पॉर्टेंट चीज़ रही होगी कल के दिन। अगर आपको पता है तो आप मेरे से शेयर करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपके कमेंट से मेरे साथ साथ और भी वो लोग जिनको नहीं पता है कि कल कोई इम्पॉर्टेंट डे था जिसका सेलिब्रेशन इस्कॉन टेम्पल में हो रहा था, वो जानकारी सबको ही मिल जाएगी। और हम लोग अभी आ रहे हैं मम्मी के पापा के घर से। एक्चुअली हम सब लोग गए थे आज इस्कॉन टेम्पल आफ्टर सो लॉन्ग। हम लोगों ने प्लान करा था कि हर हफ्ते एक बार ज़रूर जाया करेंगे, बट देन काम वाम होता है, सभी बिजी हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो आज हम लोग गए, फिर आपने इस्कॉन में जो गोविंदास होता है, सब जगह गोविंदास ही होता है ना,
वहाँ पे कभी खाना ट्राई किया है, वो एकदम ही सात्विक होता है, बहुत अच्छा सा खाना होता है। तो हम लोगों ने आज वहीं पर डिनर कर लिया, डोसा खाया हम लोगों ने। मम्मी पापा को वैसे भी डोसा बहुत पसंद है वहाँ, मतलब उतना वैरायटी नहीं होता बट बहुत ही सात्विक हल्का सा खाना होता है। तो हम लोगों ने वही डिनर किया एंड वी लव द डोसा, एंड उससे भी ज़्यादा तो सांभर वहाँ पर बहुत अच्छा था। और मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, एक सेकेंड। तो मैं आपको बता रही थी ना कि खुशी के जूते लेने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन सोचो कुछ और होता है कुछ और हम लोग उससे कहीं ज़्यादा ही सामान ले आए। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। मैंने मेरे लिए ये लेगिंग्स लिया है क्योंकि मैं अभी वॉक पे जाती हूँ ना, और उसके लिए ये ठीक है। और मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा, इसका फिट भी आई फील अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने एल लिया है, मेरे ऊपर एल ही आते हैं। इसके बाद एक ये भी मेरे लिए ही है, इट्स अ हुडी स्टाइल जैकेट, ग्रे कलर का है, ये मैंने मेरे लिए ही लिया है। एंड देन यहाँ पर एक ये टी शर्ट है, ये शर्मा जी का है, ये भी ग्रे ही है। मुझे लगता है सारे कपड़े हम लोग ग्रे कलर के लेकर आए हैं। ये कलर मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, ये डार्क में भी और लाइट में भी, दिस कलर स्टील ग्रे टाइप। तो ये एक टी शर्ट है शर्मा जी का। डेकेथलॉन के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर होते हैं ना, मतलब उसका फील बहुत ही अच्छा होता है। और ये बिल्कुल सेम कलर का। और इसके बाद सानवी खुशी के लिए सॉक्स हैं ये, एंड ये जैसे टैंक टॉप नहीं होते, इसे कुछ और कहते हैं तो मुझे बताइएगा, ये टैंक टॉप जैसा है, ये एक शर्मा जी के लिए है, ऑलिव ग्रीन कलर का है। और ये एक पैर लिया है खुशी के लिए शूज़ का, ये एक्चुअली हम लोग को लेना पड़ा हुआ क्या वहाँ पे, बहुत सुंदर थोड़ा पर्पल और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाले, जैसे ये ग्रे और पिंक है ना, ऐसे ही वो पर्पल एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाले शूज़ थे। तो हम लोगों ने उठा लिया वो, और उसके बाद फिर हम लोग जब एग्ज़िट पे चेकआउट करते हैं जब भी, तो वहाँ चेक करते हैं ना वो, तो उन भैया ने बताया कि दोनों शूज़ अलग अलग नंबर के थे वहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा था। फिर उसका जो खुशी का पैर का नाप था, उसके उसका पैर मिला ही नहीं, हम लोगों ने बहुत ढूंढा। तो उसके बाद थैंक यू हनी, तो उसके बाद फिर वी हैड नो ऑप्शन, तो हम लोगों ने फिर वो बदल करके ये वाला ले लिया। तो ये खुशी के हैं। और एक फिर शर्मा जी ने बोला कि तुम्हारे शूज़ वॉकिंग शूज़ है, तुम भी एक रनिंग शूज़ ले लो, तो ये वाला एक शूज़ मैंने मेरे लिए लिया है। एंड एक योगा मैट भी था, हाँ देना शानू बाबा, वो रखा हुआ है ना, वो ला के दे दो। ओके। बच्चे लोग वेरी एक्साइटेड, वो उनको हर चीज़ अभी खोल खोल के देखना है। तो मैंने मेरे लिए एक योगा मैट भी लिया है। तो बस यही सब सामान था, मैंने आपको दिखा दिया बिकॉज़ फिर बाद में मुझे बहुत लोग चाहते हैं कि आपने क्या ख़रीदा वो दिखा दो करके। और डेकेथलॉन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि वहाँ पे मतलब कोई क्यू नहीं होता है बिलिंग पे, वहाँ पे आप सीधे प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हो और उनके ऐप के थ्रू पे कर सकते हो, विच इज़ सो कन्वीनियंट। आपको एक सामान लेना है कि 10 सामान लेना है, आपको किसी क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट कैन गो पिकअप योर प्रोडक्ट, स्कैन एंड पे, और बहुत ही अच्छा हो गया है। और ये कोविड की वजह से हुआ, मतलब पोस्ट कोविड ये अरेंजमेंट किया उन्होंने, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहले जाते थे तो क्यू में खड़ा होना पड़ता था, बट आज शर्मा जी के पास ऐप था तो उन्होंने उसी से पेमेंट कर दिया, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है, एकदम ही वो कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग, कॉन्टैक्टलेस बिलिंग। और बस अभी बहुत रात हो चुकी है, बहुत रात भी नहीं है एक्चुअली, 10 बज गए हैं, बट अभी मैं और तो कुछ तो करूँगी नहीं, तो मैं सोचूँ व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। अब मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, और उसमें फिर रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं मिला, और ऐसा सच मैंने कोई स्पेशल बनाया भी नहीं, और फिर डिनर भी हम लोगों ने बाहर ही कर लिया था। तो कल मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छी रेसिपीज़ ज़रूर से लेकर आऊँगी वीडियो में। तो till then all of you take really good care of yourself, take care, good night, bye bye.